हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्टअप लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कोई भी बीम को एनालिसिस कर सकते हैं और उसके जो रिजल्ट्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने वो जो रिजल्ट है वो मैन्युअली किस तरीके से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था। अभी हम एक और पोर्टल फ्रेम, 2D फ्रेम हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, और ये जो फ्रेम है वो बेसिकली आप देखोगे तो ये जो फ्रेम है वो फ्रेम में ये फिक्स सपोर्ट्स है, ये पिन सपोर्ट है, ये भी फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ पे मैंने थोड़े से डिफरेंट टाइप का लोडिंग अप्लाई किया हुआ है ताकि आपको UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि UVL जो है वो मतलब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम है, और यहाँ पर भी UVL ही है बट सेंटर में 2 km/m है, और फिर एट द एंड बोथ एंड UVL इज 0 एंड डायरेक्शन इज ऑन दिस साइड, एक्स डायरेक्शन नेगेटिव साइड। तो किस तरीके से हम ये फ्रेम को डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से ये फ्रेम को हम एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो ये था हमारा एक बेसिक फ्रेम का मॉडल। अभी स्टार्टअप में सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और सबसे पहले हम नोड्स को डिफाइन करेंगे। तो हम स्टार्टअप में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट स्पेस 2D फ्रेम, और आप लोकेशन दे सकते हो मीटर किलोमीटर उसका यूनिट है, यहाँ से आप कोई भी फाइल का लोकेशन दे दो और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो और फिर फिनिश पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको एक न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और आप ये सब इंटरफेस से ऑलरेडी आप वाकिफ हो, आपको ये सब ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये मेरा ओरिजिन है तो 0.0.0, ये जो मेरा पॉइंट है वो 0.5.0, तो यहाँ से मैं 0.0.0.5.0 और यहाँ पे मैं प्लेन सिलेक्ट कर देता हूँ फ्रंट प्लेन, ताकि ये जो मेरा पॉइंट्स है वो फ्रंट प्लेन में डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट को, अगर ये नोड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नोड कर्सर पे मैं जाता हूँ, ये नोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करता हूँ और फिर बाद में कंट्रोल वी करता हूँ, और कंट्रोल वी करने के बाद ये नोड को हमें कॉपी करना है एक्स डिरेक्शन में, और वो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ये दोनों डिस्टेंस 3 मीटर है, ये डिस्टेंस भी सपोज 3 मीटर है, तो एक्स डिस्टेंस में वो कॉपी होगा 3 मीटर और वाई में 0, जेड में 0, और फिर ओके में क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि एक और नोड मेरा कॉपी पेस्ट हो गया है। आइदर आप मैन्युअली भी नोड एंटर कर सकते हो या तो फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मैं ये नोड को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्स में 0 बट वाई में -4, तो वो नीचे की साइड कॉपी हो जाएगा, ताकि हमें ये जो पॉइंट है, ये जो नोड है वो हमने कॉपी किया है। अब ये नोड है उसको मैं कॉपी करूँगा एक्स डिरेक्शन में, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्स डिरेक्शन में 3 मीटर, और ये नोड को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वाई डायरेक्शन में -5 मीटर। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे नोड्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं।